हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 14 फॉर क्लास 8 सोशल साइंस की। बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 13 नवंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट का टॉपिक क्या है बेटा? द क्लेम टू पैरामाउंट सी एंड द डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स। यानी लास्ट वर्कशीट तक हमने पढ़ा कि किस तरह जो कंपनी है वो ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरीज को अपने कंट्रोल में लाना चाहती है, उस पर वो कब्जा करना चाहती है, किस तरह से उन्होंने डायरेक्ट वॉर भी किए, ठीक है, अलग अलग उन्होंने डॉक्ट्राइन भी जो है स्टार्ट की जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरीज पर वो कब्जा कर सकें। इसी तरह उसी सीरीज में उन्होंने एक नया जो फरमान जारी किया यहाँ पे वो क्या था? द क्लेम ऑफ पैरामाउंसी। पैरामाउंसी क्या होता है? पैरामाउंसी होता है अपने आप को श्रेष्ठ समझना, ठीक है। तो यहाँ पर जो ब्रिटिश कंपनी है वो खुद को पूरे जो रियासत थी उनमें खुद को श्रेष्ठ समझती थी, जिसके कारण उन्होंने ये इस तरह का फरमान यहाँ पर जारी किया, क्लेम जारी किया, ठीक है, द क्लेम ऑफ पैरामाउंसी। As you know that from the early 19th century, the company pursued an aggressive policy of territorial expansion. So early 19th century में कंपनी ने जो है इस तरह की aggressive policies जिनसे वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो area है उसको expand कर सके, इस तरह की policies उन्होंने अपनाई। Under Governor General Lord Hastings, a new policy of paramount sea वाज इनिशिएटेड। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के जो है उनके जो गवर्नर जनरल थे उनके नेतृत्व में एक नई पॉलिसी आई पैरामाउंट सी। नाउ द कंपनी क्लेम दैट इट्स अथॉरिटी वाज पैरामाउंट और सुप्रीम, कि जो उनकी अथॉरिटी है वो क्या है? वो पैरामाउंट है या सुप्रीम है? यानी वो, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि ब्रिटिश कंपनी वो एक सुप्रीम पावर खुद को समझने लगी थी और वो ये मानती थी कि अब जो भी ये जो छोटी छोटी रियासतें हैं उनके ऊपर हमारा पूरी तरह से राइट है। सो हैंस इट्स अ पावर वॉज ग्रेटर देन दैट ऑफ इंडियन स्टेट्स। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इट्स इंटरेस्ट इट वॉज जस्टिफाइड इन एनेक्सिंग और थ्रेटनिंग टू एनेक्स एनी इंडियन किंगडम। तो इस ऑर्डर, जो ये ऑर्डर निकला इसके अकॉर्डिंग क्या था कि उनके पास ये एक तरह का राइट है कि वो किसी भी इंडियन किंगडम को एनेक्सिंग यानी उस पर कब्जा कर सकते हैं। एनेक्सिंग क्या होता है बेटा? कब्जा कर सकते हैं या उनको धमका सकते हैं, ठीक है, उन पर कब्जा करने का अधिकार वो रखते हैं, उनको वो धमका सकते हैं, थ्रेट कर सकते हैं। दिस व्यू कंटिन्यू टू गाइड लेटर ब्रिटिश पॉलिसीज एज वेल। ये बाद में तक जो है दिखाई दिया हमें, जब तक हमारा कंट्री जो है वो फ्रीडम जो है उसको नहीं मिली। नाउ ब्रिटिश प्रोसेस हाउएवर डिड नॉट गो अनचैलेंज्ड। फॉर एग्जाम्पल दिस प्रोसेस हाउएवर डिडंट गो अनचैलेंज्ड। फॉर एग्जाम्पल वेन द ब्रिटिश ट्राई टू एनेक्स द स्मॉल स्टेट ऑफ कितुर। अब ब्रिटिश जो है उन्होंने क्या किया? उन्होंने एनेक्स करने की कोशिश की किसको? स्मॉल स्टेट ऑफ कितुर को, ठीक है, एंड रानी चेन्नम्मा। अब कितुर जो है वो जो अब है एट प्रेजेंट वो कर्नाटका में है। उसके बाद देखिए, रानी चेन्नम्मा टुक्स टू आर्म्स एंड लेड एन एंटी ब्रिटिश रेजिस्टेंस मूवमेंट। जो वहाँ की रानी थी चेन्नम्मा, उन्होंने टुक टू आर्म्स यानी उन्होंने हथियार उठा लिए और एंटी ब्रिटिश जो रेजिस्टेंस मूवमेंट था, ठीक है, उसमें वो जो है उसको लीड करने लगी। शी वॉज अरेस्टेड। अब वो अरेस्ट हो गई इन 1824 एंड डाइड इन प्रिजन इन 1829 में ही वो उनकी डेथ हो गई प्रिजन में ही। बट रायन्ना, ठीक है, रायन्ना कौन थे? वो एक पुअर चौकीदार ऑफ संगोली इन कितुर, कितुर में संगोली में एक पुअर चौकीदार, कैरीड ऑन द रेजिस्टेंस। उन्होंने जो रेजिस्टेंस था उसको कंटिन्यू रखा, मूवमेंट को कंटिन्यू रखा जो रानी चेन्नम्मा ने जो है स्टार्ट किया था। विद पॉपुलर सपोर्ट ही डिस्ट्रॉय मैनी ब्रिटिश कैंप्स एंड रिकॉर्ड्स। तो उनको जो है पॉपुलर सपोर्ट उनको मिला इस काम के लिए और उन्होंने काफ़ी ब्रिटिश जो कैंप हैं उनको और रिकॉर्ड्स को क्या कर दिया? उन्होंने जो चौकीदार थे उन्होंने उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। He was caught, वो पकड़े गए and hanged by the British in 1830. और 1830 में ब्रिटिश जो कंपनी थी उन्होंने उसको जो है फांसी दे दी।
देयर वर सेवरल अदर कॉज ऑफ रेजिस्टेंस, इसके अलावा और भी बहुत सारे रीजन थे जिनसे रेजिस्टेंस जो है वो ब्रिटिश कंपनी का होने लगा। इन द लेट 1830s द ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम वॉरिड। अब 1830s में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो चिंतित हो गई, किस लिए? अबाउट रशिया, रशिया को लेके, ठीक है, क्योंकि रशिया जो है उस समय अपना प्रभाव वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा उसका इफेक्ट हो रहा था, तो उसको लेके ईस्ट इंडिया कंपनी वो वरिड थी। इट इमेजिन दैट रशिया माइट एक्सपेंड अक्रॉस एशिया एंड एंटर इंडिया फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट। उनको ये लगा कि रशिया जो है वो एक्सपेंड कर सकती है अक्रॉस एशिया और जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट है उसको जो है वो कवर कर सकती है। Driven by this fear, इस डर से the British now wanted to secure their control over the North West. अब जो वो जो है उन्होंने क्या करना शुरू किया, उन्होंने जो North West part था उसको अपने control में करना शुरू कर दिया रशिया के डर से। They took over Afghanistan in 1842 में उन्होंने अफगानिस्तान को took over किया, सिंध किया 1843 में और पंजाब को किया 1849 में। Now, the doctrine of lapse. अब ये एक नई जो है उनकी चाल आई जिसको क्या कहा जाता है, doctrine of lapse. The final wave of annexations. Final wave का मतलब क्या है बेटा, एक आखिरी लहर थी ये, ठीक है। 1857 की जो क्रांति थी, 1857 का जो मूवमेंट था 1857 का, उससे पहले कि ये एक बहुत आप कह सकते हो फाइनल वेव था उनका कि किस तरह से ज़्यादा जो किंगडम है उनको कंट्रोल किया जाए। द फाइनल वेव एनेक्सेशन अकर्ड अंडर लॉर्ड डलहौजी। तो ये जो है इसका नेतृत्व तो किसने किया, इसको लीड किसने किया, लॉर्ड डलहौजी ने, हु वाज द गवर्नर जनरल फ्रॉम 1848 टू 1856। जो 1848 में जो है गवर्नर बने और 1856 तक वो जो है गवर्नर रहे। He devised a policy that came to be known as doctrine of lapse. Lapse का मतलब क्या होता है, मिल जाना, ठीक है। तो उन्होंने एक पॉलिसी डिवाइज की और वो जो है पॉलिसी क्या थी, दैट इज द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। द डॉक्ट्राइन डिक्लेयर, इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग क्या था कि दैट इफ एन इंडियन रूलर डाइड, अगर कोई इंडियन रूलर, इंडियन जो रूलर है, किंग है, अगर उसकी डेथ हो जाती है विदाउट अ मेल हेयर, यानी जो उसका जो अगर कोई उसका पुत्र नहीं है, एयर क्या होता है यहाँ पे उत्तराधिकारी जो है उसका कोई जो है मेल नहीं है, उसके किंगडम का वुड लैप्स, वो किंगडम लैप्स हो जाएगा इन ब्रिटिश कंपनी, दैट इज बिकम पार्ट ऑफ कंपनी टेरिटरी। वन किंगडम आफ्टर अनदर वाज एनेक्स्ड सिंपली बाय अप्लाइंग दिस डॉक्ट्राइन। अब जिनके पुत्र नहीं थे और उन रूलर्स की डेथ हो गई तो वो ईजिली उन्होंने उन पर उनको जो है एनेक्स्ट कर लिया। सतारा, संबलपुर, सतारा को 1848 में किया गया, संबलपुर 1850 में, उदयपुर 1852 में और नागपुर 1853 एंड झांसी 1854। इन सबको जो है इसी तरह इसी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अकॉर्डिंग एनेक्स्ट जो है वो कर लिया गया। फाइनली इन 1856 द कंपनी ऑल्सो टुक ओवर अवध। 1856 में उन्होंने अवध को भी जो है टुक ओवर कर लिया। दिस टाइम द ब्रिटिश हैड एन एडिड आर्ग्यूमेंट दैट दे वर ऑब्लाइज्ड बाय ड्यूटी। अब उन्होंने एक नया आर्ग्यूमेंट यहाँ पे पेश किया। आर्ग्यूमेंट क्या था कि वो दे वर ऑब्लाइज्ड बाय ड्यूटी टू टेक ओवर अवध। वो अपनी ड्यूटी से बंधे हुए हैं अवध को जो इसलिए टेक ओवर कर रहे हैं, ठीक है। अब उनकी ड्यूटी क्या थी, इन ऑर्डर टू फ्री द पीपल फ्रॉम द मिस गवर्नेंस ऑफ द नवाब, कि जो नवाब यहाँ के हैं जो रूलर हैं वो मिस गवर्नेंस कर रहे हैं, यानी वो शासन जो है वो अच्छे से नहीं चला रहे हैं और इसी लोगों को उसके उस जो शासन है, ठीक है ना, जो अच्छे से गवर्न नहीं कर रहे हैं उससे लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए ये उनकी ब्रिटिश कंपनी की ड्यूटी बनती है, ये उनका यहाँ पर ऐसा तर्क था। Enraged by the humiliating way in which the Nawab was deposed, the people of Awadh joined the great revolt that broke out in 1857. अब जिस तरह से ब्रिटिश कंपनी ने अवध के नवाब को उस वहाँ से हटाया, उसको देखते हुए जो पीपल थे वो रिवोल्ट, उन्होंने रिवोल्ट कर दिया और उसी इन्हीं चीज़ों का
जो रिजल्ट था वो था 1857 का रिवोल्ट। ओके, तो ये सारी जो चीज़ें हैं बेटा ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं कि किस तरह से जो है ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स है दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जाम ऑल्सो। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं यहाँ पर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द क्लेम टू पैरामाउंट सी। तो क्लेम क्या था पैरामाउंट सी का एंड अंडर हुज लीडरशिप द क्लेम टू पैरामाउंट सी वाज डिक्लेयर्ड। तो बेटा इसका आंसर जो है हम यहीं से करेंगे कि किसके टाइम पे पैरामाउंट सी जो है वो हुई थी और ये क्या थी। सो हम यहाँ से करेंगे इसका आंसर, अंडर गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स अ न्यू पॉलिसी ऑफ पैरामाउंट सी वाज इनिशिएटेड। नाउ द कंपनी क्लेम दैट इट्स अथॉरिटी वाज पैरामाउंट और सुप्रीम, हैंस इट्स पावर वाज ग्रेटर दैन ऑफ इंडियन स्टेट्स। ओके, सो ये थी जो है यहाँ तक आप इसको कर सकते हैं, यहाँ तक आप इसका आंसर वो लिखेंगे। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। सो बेटा ये वाला जो पोर्शन हाईलाइटेड है ये जो है आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड, व्हाट वाज द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स व्हाई इट वाज इमोरल। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या था ये हमने पढ़ा था, ये जो है आप यहाँ से आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर टू, द डॉक्ट्राइन डिक्लेयर दैट इफ एनी इंडियन रूलर डाइड विदाउट अ मेल हेयर हिज किंगडम वुड लैप्स दैट इज बिकम पार्ट ऑफ द कंपनी टेरिटरी। तो यहाँ से लिखने के बाद उसके बाद देखिए ये तो क्वेश्चन नंबर टू का फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट है वाई इट वॉज इमोरल। सो वाई इट वॉज इमोरल, इट वॉज इमोरल एज इट इग्नोर द राइट ऑफ वुमेन ऑन देयर किंगडम। सो इट वॉज इमोरल। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री, विच साउथ इंडियन स्टेट वॉज ट्राई टू बी कंक्यूड अंडर द क्लेम ऑफ पैरामाउंट सी, वॉट हैपन आफ्टर इट। सो कौन सा इंडियन स्टेट जो है उसको उन्होंने ट्राई किया था कंक्यूड करने के लिए पैरामाउंट सी स्कीम के अकॉर्डिंग। सो बेटा हमने यहाँ पर कितूर के बारे में पढ़ा, ब्रिटिश ट्राई टू अनेक्स द स्मॉल स्टेट ऑफ कितूर। तो यहाँ से लेकर बेटा और यहाँ तक आप इसको करेंगे कि बाद में जो है जो रानी चेन्नम्मा थी वो अरेस्ट की गई एंड दे डाई एंड शी गेट डाइड इन प्रिजन इन 1829। तो ये क्वेश्चन नंबर थ्री का आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर फोर, वाई ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एफ्रेड ऑफ रशियन इन्फ्लुएंस। सो ईस्ट इंडिया कंपनी वो जो है रशियन इन्फ्लुएंस से क्यों डर गई थी। तो यहाँ से बेटा इसका आंसर करेंगे, रशियन कंपनी जो है या ईस्ट इंडिया कंपनी बिकम वरीड अबाउट रशिया, इट इमेजिन दैट रशिया माइट एक्सपेंड अक्रॉस एशिया एंड एंटर इंडिया फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट। ड्राइन बाय दिस फियर द ब्रिटिश नाउ वांटेड टू सिक्योर देयर कंट्रोल ओवर द नॉर्थ वेस्ट। सो यहाँ तक बेटा आप इसका आंसर करेंगे, ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव, If you would be the citizen of कितूर, why would you revolt against the East India Company? अगर आप कितूर के citizen होते तो आप जो है East India Company के against revolt करते क्यों, ये आपको बताना है। तो आइए बेटा करते हैं इसका आंसर। सो यहाँ से बेटा आप इसका आंसर लिखेंगे, If I would be the citizen of कितूर, I revolt against the East India Company because of their paramount policy. Okay? Which is injustice. This policy makes them supreme leader. तो जो उनकी पॉलिसी थी पैरामाउंट पॉलिसी, वो जो पॉलिसी थी उनको एक सुप्रीम लीडर बना रही थी, अननेसेसरी वो लोग जो है एनेक्सेशन कर रहे थे, सो इसीलिए उनका रिवॉल्ट करना जरूरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सिक्स है, द क्लेम टू पैरामाउंट सी एंड द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स शोज विच काइंड ऑफ थॉट्स ऑफ ब्रिटिश। तो जो क्लेम था उनका पैरामाउंट सी एंड डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, तो ये उनकी किस थॉट को जो है शो करता है। तो आइए बेटा देखते हैं आंसर कैसे लिखेंगे हम। सो यहाँ से बच्चों आप इसका आंसर लिखेंगे, यहाँ से देखिए, द क्लेम टू पैरामाउंट सी एंड द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स शोज ओनली हंगर ऑफ ब्रिटिश कंपनी फॉर एनेक्सेशन। ये उनकी हंगर को शो करता है, ऑफ ऑल टेरिटरी विच आर लेफ्ट। तो काफ़ी कुछ तो उन्होंने जो है एनेक्सेशन कर लिया, जो कुछ बचा हुआ है उसको वो किसी ना किसी तरह से बाय हुक एंड बाय क्रूक वो जो है उसको अपने अंडर जो है करना चाहते थे। सो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और सभी बच्चों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू।